আজি হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ জানা মোবাইল দুনিয়া আছিলা বহুত সাৰ জিছ দিয় গায়ব হৈ গ'ল আমি মোবাইল ধৰলোঁ পাখি আলাৰ্ম ঘড়ী গায়ব হৈগল আমাৰ হাতৰ ঘণ্টা গায়ব হৈগা পোষ্ট পেন ডাকি চিঠি এই সবি গায়ব হৈগা টিভি গায়ব হৈগা গীত বাজিব গায়ব হৈগা আৰু ভিডিঅ' গাইব গায়ব হৈগল কিন্তু আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে এমি এক বিজনেছ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ না সেই বিজনেছ কেনে আগৰ গায়ব হৈছিল

लेकिन आज हम उस व्यापार के बारे में बात करेंगे जिसमें भाई साहब जब से हम लोगों का मनुष्य जीवनी लोग कपड़ा पहनने लगा है तब से ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जादा बढ़ते जादा जा रहा है। अब तो ज्यादा ज्यादा कपड़ा पहनना है। पड़ता है सर में आ रहा है। नया नया डिजाइन नया, नया नया सब कुछ यहाँ पे आपको कुर्ता भी मिलता है टी शर्ट भी है सब अलग अलग सुख का कपड़ा अलग है दुख का कपड़ा अलग है क्या दुख में आदमी कैसा पहनते हैं कैमरे वाले भैया पीछे फोकस करो एक बार हाँ ये व्हाइट वाला जो रंग है आदमी दुख में पहनता है सर में आ मारा यहाँ पे फोकस करो इधर देखो खुशी वाला आदमी कैसा कपड़ा पहनता है ऐसा पहनता है कलरफुल ऑफिस जाने वाला आदमी कैसा कपड़ा पहनता है आप कीजिएगा तो कपड़े का एक व्यापार है जो कभी खत्म नहीं, नहीं होता है आज हम लोग इसी संदर्भ में बात करेंगे क्या क्या आइटम होना चाहिए आपके दुकान में आप क्या आइटम लेकर के जाते हो जो बारह महीना बिके कौन सा आइटम सबसे ज्यादा मार्जिन वाला आइटम होता है कपड़े का जो व्यापार आप करना चाह रहे हो उसकी दशा कैसी होनी चाहिए दशा कैसी होनी चाहिए शुरुआत कैसी होनी चाहिए काफी लोगों को डर रहता है उड़ीसा वाले भैया लोगों को डर लगता है है नया बिजनेस करेंगे अरे भैया नुकसान हो जाएगा तो मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊं जिसमें तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता समझ है अगर आपका परचेज अच्छा है ना तो आपका गेम अच्छा होगा एक बात दिल्कुल, समझना दिल्कुल। अब ये जो टी शर्ट है जो नया गार्मेंट का बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं रिटेल करना चाह रहे हैं होलसेल की बात नहीं कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ रिटेल की बात कर रहा हूँ ये एक का आइटम है हम आपको बेचेंगे कितना एक में आपको कितना में बेचना है एक में बेचना चालू करना नहीं बिकेगा एक सौ साठ कर देना नहीं बिकेगा 155 कर देना. देना बुरा से बुरा क्या हो सकता है एक सौ पैतीसो पैतीस पैतीस हाँ इसमें तो आराम से बिकेगा ही मार्जिन बिखेगा कम रहेगा लेकिन कस्टमर रहे ले तो आएगा एक बात समझो मेरे भैया या तो आप खाली तो ऐसे ही बैठे हो आप क्या कर रहे हो दिन भर राखी सावंत का वीडियो देखते हो इसका देखते हो उसका देखते हो राहुल गांधी देखते हो टाइम तो ऐसी बर्बाद कर रहे हो मैं रहे आपको एक चीज बता रहा हूँ इसमें हालांकि ये आइटम रिटेल में दो में बिकता है दिखता लेकिन है। आपको सबसे सस्ता बेचना है आप एक बात समझो आंख बंद करके सोचो आपको एक ऐसी दुकान बनानी है जो आपके एरिया में सबसे सस्ता माल बेचे बेचे रिटेल रिटेल में में सबसे सस्ता माल हाँ तीन महीना तक पैसा नहीं कमाएंगे क्या कमाएंगे खाली ग्राहक कमाएंगे खाली ग्राहक कमाएंगे हाँ एक ही नारा एक ही नाम आपकी दुकान का नाम आपके एरिया में आपका दुकान का नाम ना मतलब दे। मचा दे शोर मचा दे भौकाल मचा दे क्या बोलते हैं भोकाल मचा भोकाल मचा दे तो ये सबसे अच्छा तरीका है और इसमें नुकसान होगा होगा नहीं बिल्कुल नहीं बुरा से बुरा होगा अगर बहुत ही दिमाग में सनी बैठा होगा थोड़ा मोड़ा नुकसान होगा और ये ऐसा आइटम है ये बिकता ही बिकता है तो इसमें क्या है आपको ज्यादा नहीं कमाना आपको भैया मंथली दस हजार रुपया कमाना है कितना दस हजार दस हजार कमाना ये सोच के काम करो रेट वेट कुछ नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं एकदम सस्ता में लो सस्ता में बेच तो। ये दो 135 ये देखो एक सौ पैंतीस रूपए का एक सौ पचास का सारा रेंज आपको पे मिल जाएगा या पैकिंग कैसा होता है, सब दिखाएंगे से से एक सौ पैंसठ का बुरा से बुरा क्या करना है कैमरा जी कैमरा भैया क्या करना है बुरा से बुरा एक सौ सत्तर एक सौ सत्तर में बेच देना भाई साहब एक बात समझना डेली का आप अगर बीस पच्चीस पीस भी बेचते हो हजार डेढ़ हजार रुपया कमाना आपको तो मंथली दस कमाना है कितना कमाना है दस हजार कमाना है अब आप इस सब से कॉस्टिंग निकालो माल बिकेगा नहीं बिखेगा हमसे बात कर लेना, बात कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक सौ पैसठ का ये सब बढ़िया ये सब आपको नौ पीस का बंडल रहता है लिटिल लिटिल मार्जिन करो भैया थोड़ा थोड़ा मार्जिन आपके घर में जब खिचड़ी बनता है तो क्या करते हो बीच में हाथ डाल के खाते हो ना साइड से खाते हो साइड से खाते बीच में हाथ डालोगे तो क्या जल जाएगा इसी तरीके से कपड़े का व्यापार है लिटिल लिटिल मार्जिन करो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन करके आपको काम करना है ये देखो 125 का आइटम है 125 ठीक है पैकिंग एक सौ है भैया ऐसा पैकिंग रहता है इतना सारा देखिए पॉकेट और बंडल ना आपके एरिया में ना भाई साहब लोग 200 में बेचते हैं कोई 250 में बेचते हैं आपको एकदम सस्ता बेचना है एकदम सस्ता बेचना है और अभी के लिए तो मेला महोत्सव शुरू हो चुका है उड़ीसा में पूरा सर ये सब देखो ये भैया ये देखो ये देखो ये देखो कितना है एक सौ दस रुपए का एक सौ दस रुपए आपको कितना में बेचना है एक सौ पच्चीस में बेचना है एकदम पूरा मतलब मार्केट में तबाही मचा दो तबाही समझते मचा हो मचा दो कैसे बिजनेस नहीं चलेगा हमसे बात बात कर लीजिएगा इतना इतना सस्ता बेचेंगे, इतना सस्ता बेचेंगे बेचेंगे भाई साहब एक बात समझना क्या होगा बुरा से बुरा एक महीना नहीं कमाएंगे दो महीना नहीं कमाएंगे उसके बाद तो कमाएंगे ना दोस्त बिल्कुल कमाएंगे हाँ ये रेंज देखो पूरा यहाँ पे आपको लंच बॉक्स मिल जाएगा ये लंच बॉक्स बहुत अच्छा एक सौ पैंसठ रूपए का आइटम है सब ब्रांडेड अभी तिरिल बहुत सारा कलर और बहुत सारा वैरायटी में तो रोज आप पास में एड्रेस की बात करेंगे सर दुकान लुक एट कहां पे है हमारा नीचे नंबर है उडिया लड़का आपको कॉल उठा लेगा कोलकाता बड़ा बाजार में हमारा ऑफिस है यहां पे आपको एक ही छत के नीचे सारा आइटम मिल जाता में है भैया कैमरे वाले भी इधर आइएगा लेंस खराब हो जाएगा वरना हाँ एक ही नीचे एक ही छत के नीचे इतना सारा आइटम मिल जाता है भैया नौ हजार प्लस आइटम यहाँ पे आपको कुर्ती देखने मिल जाएगा एम एल एक्स एल हाँ ग्राउंड वाला कलेक्शन मिल जाएगा नाइटी मिल जाएगा बच्चों का आइटम मिल जाएगा साड़ी मिल जाएगा साड़ी में महंगा वाला साड़ी मिल जाएगा बच्चों में बच्चा वाला छोटा बच्चों का बड़ो बच्चों का शर्ट मिल जाएगा ट्राउजर मिल जाएगा बरमुंडा मिल जाएगा बॉक्सर मिल जाएगा जींस मिल जाएगा कार्गो पैंट मिल जाएगा फॉर्मल पैंट मिल जाएगा अंडर गार्मेंट्स मिल जाएगा ब्लाउज मिल जाएगा साया मिल जाएगा नाइटी का भरपूर कलेक्शन है टी शर्ट का भरपूर कलेक्शन है दुपट्टा का कलेक्शन है स्टॉलर कलेक्शन है विंटर का कलेक्शन से फ्रॉक का कलेक्शन से सारा का सारा भैया नहीं जाना है दिल्ली नहीं जाना है गुजरात यहाँ पे नहीं जाना है सूरत ना एक ही बार में आइए भैया एक बार में सारा का सारा काम हो जाएगा एक ही जीएसटी बिल पे सारा का सारा काम हो जाता है कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है बस की सुविधा उपलब्ध है रेलवे की सुविधा उपलब्ध है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी कंपनी की रहती है कोई भी माल में काटा छीरा डेज इफेक्ट कुछ भी निकलेगा उसकी जिम्मेदारी कंपनी की रहती है सारा माल का फोटोशूट फ्री में मिल जाता है समझ में आ रहा है इतना फटाफट फटाफट सब कुछ बता दिया पीछे थोड़ा तो फोकस कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा रेंज बहुत सारा वेरायटी आपको देखने मिल जाएगा स्पीड बहुत हाई है, हाँ है। समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया भैया इतना फटाफट फटाफट कैसे बोल देते हैं भैया यूट्यूब पे हमारा चैनल हजारों हजारों वीडियोस हमने बनाया है हजारों हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं उड़ीसा से खास करके ग्यारह हजार प्लस लोग हमसे आज के डेट में व्यापार कर रहे हैं समझ में आ रहा है ये सब रेंज आपको देखो वन ओनली ये विंटर वाला कलेक्शन है आने वाले समय में विंटर रहेगा तो विंटर में ये सब आइटम चाहिए ही चाहिए क्या बोलते हैं सासों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए मत करो आशिकी यही तो गलत है गलत गाना है हाँ आज से की करना है भाई साहब धंधा बनाओ पैसा बनाओ लोग आपके दीवाने अपने आप हो जाएंगे समझ में आ रहा है आज से की करना है कैमरे वाले भैया गलत गाना गाते हो <laughs> ये सब कुमार सानू भैया जो गाना बनाए है ना क्या बोलते हैं दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, चुपके, चुपके।, चुपके। ये भैया ये चुपके चुपके वाला काम करोगे चुपके चुपके नहीं आगे आओ आओ आगे मार्केट में सबसे आगे रहना है चुपके चुपके क्यों रहेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल देखो भाई साहब हमारा अंदाज थोड़ा अलग है वीडियो बनाने का आप मार्केट में काफी सारे वीडियो देख सकते हो हमारी स्पीड हाँ हमारा तरीका ऐसा तरीका भाई साहब लोग कॉपी करते हैं समझ में आ रहा है बात ये देखो क्या बोलते हैं चांद वाला मुखड़ा लेके चलो क्यों नहीं चलेंगे चलेंगे ऐसा कलेक्शन पहन के आपका जब लल्ला जाएगा तो चांद वाला मुखड़ा लेके बाजार में चलेगा समझ में आ रहा है दौड़ेगा दौड़ेगा पूरा गलत गाना है चांद वाला मुखड़ा लेके चालो ना बाजार में ये देखो दो सौ नब्बे रुपये का लाल फूल गेंदा फूल हाँ? लाल फूल गेंदा फूल आकाश भैया ब्यूटीफुल बहुत बहुत धन्यवाद कहने वाले भैया ये देखो ये देखो कलेक्शन देखो बहुत सारे कलेक्शन ये दिखे। रेंज इधर आइए इधर आइए भैया कितना दिखाएं परेशान हो जाएंगे अपने भैया ये 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 देखो 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 सब रेंज वैरायटी बाप रे बाप दाम से को था वो डेढ़ सौ दूसरा बोलते हैं कोई भी खेल अच्छा या बुरा कभी नहीं होता खिलाड़ी अच्छा या बुरा होता है आप अपने बिजनेस के कितने बड़े खिलाड़ी हैं कितना आप जा सकते हो कितना आप मेहनत कर सकते हो ये डिपेंड करता है कि आने वाला कल आपके लिए कैसा रहेगा कैसा रहे आज अगर आप मजा मार लोगे हाँ तो भैया कल भी मजा ही मारना पड़ेगा आपको निकल करके भैया हाँ धंधा करना पड़ेगा पड़े ये रेट देख लो भैया चार सौ साठ है भैया कपड़े के व्यापारी का अलग ही बात है भैया दिन रात लगे रहते हैं मेहनत करते हैं मेहनत करते हैं इनके लिए कोई छुट्टी नहीं होता कोई संडे ऑफ नहीं होता समझ में आ रहा है स्टॉक भी मिलाना है सेल्स भी करना है परचेस भी करना है ग्राहक को माल भी दिखाना है और और कस्टमर से काफी काफी कस्टमर से गाली भी सुनना पड़ता है उसके बाद भी कपड़े का व्यापारी कभी रुकता नहीं थकता नहीं क्यों क्योंकि कपड़े का व्यापारी ना भाई साहब बारह महीना सेम एनर्जी सेम पैशन के साथ काम करता है काम करता, करता है। नहीं करता है बाद छुट्टी मार लेंगे कपड़े का व्यापारी कभी छुट्टी नहीं मारता वो अगर भैया साउथ अफ्रीका भी जाएगा ना तो उसको दिमाग में ये रहेगा कि हमारे रैक में भैया वो वाला माल पड़ा है क्या इस सीजन में बिकेगा नहीं बिकेगा समझ में आ रहा बहुत टेंशन लेके काम होता है तो आसान नहीं है पैसा बनाना आसान है कोई बोले बहुत आसान है आसान कुछ भी नहीं है भाई साहब आपको मेहनत करना पड़ेगा मेहनत मेहनत करना पड़ेगा अगर अच्छे से करोगे आज अगर ज्यादा मेहनत कर लोगे तो कल मेहनत कम करना पड़ेगा वरना एवरेज तो इतना ही आता है समझ में आ रहा है हाँ, जैकेट वैकेट का भी काफी सारा कलेक्शन सारा के कितने होते हैं भैया पत्ते बावन पत्ते हाँ हम आपको केवल दस बारह पत्ते दिखा पा रहे हैं समझ में आ रहा है यहाँ पे जब आओगे तो पूरे पूरे बावन पत्ते आपको देखने मिलेंगे बादशाह भी, भी, भी मिलेगा, मिले मिलेगा बेगम भी मिलेगा इक्का भी मिलेगा साथ में जोकर भी मिलेगा लेकिन उसके मिले लिए क्या करना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा कैमरे में यूट्यूब में इतना ही मिलेगा क्या समझ में आ रहा है मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ दमदार टॉपिक के साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा उड़ीसा में कहा से वीडियो देख रहे हो हमें बताइएगा ठीक है मिलते हैं